हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरिकेत और सिम डेस्क चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये पिछला वीडियो मैंने बनाया था आरसी कार का स्टेयरिंग, जो कि नॉर्मल कार से हम आरसी कार बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम पूरा आरसी कार बनाने वाले हैं, तो स्टेयरिंग पहले से बना हुआ है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसका स्टेयरिंग और इसे हम आरसी कार बनाने वाले हैं। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गियर मोटर, तो इस तरह के गियर मोटर यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और पीछे के साइड मैंने गियर मोटर के हिसाब से अच्छे से कट कर लिया है, तो देखिए ये गियर मोटर फिट हो जा रहा है। और ये चाहिए हमें फ्रेंड्स आरसी कार बनाने के लिए रेडियो कंट्रोलर और रिसीवर। तो ये है फ्रेंड्स, पुराना आरसी कार में से मैंने निकाला है और इसमें दो वायर हैं मोटर के और एक वायर है बैटरी के और एक एंटीना का। तो एक जो मोटर की वायर है उसे मोटर की वायर में कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी मोटर की वायर आगे स्टेयरिंग वाले मोटर में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों मोटर की वायर आराम से कनेक्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। और ये जो स्टेयरिंग है ना फ्रेंड्स, ये मैंने पिछला वीडियो में बनाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, ये मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ 6 वोल्ट की, तो इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे कोई सा भी रिचार्जेबल बैटरी यूज़ कर सकते हो 6 वोल्ट तक की। और ये है फ्रेंड्स इसका रिमोट जिससे ये काम करता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये काम कर रहा है आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट करके आप देख सकते हो, और ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इस बैटरी को डिसकनेक्ट कर देंगे और ये सबको हमें असेंबल करना है फ्रेंड्स। तो मोटर अपनी जगह पर फिट हो जाएगी क्योंकि इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर होल कर दिया है, तो आप भी यहाँ पे ऐसे होल कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास सिंपल मोटर है फ्रेंड्स, तो उसे भी यहाँ पे लगा सकते हो रबर बैंड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं गियर मोटर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी आसान है यार और काफ़ी पावरफुल कार बनेगी फ्रेंड्स, ये आराम से कहीं भी चढ़ जाएगी। तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे और डबल साइडेड टेप का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट हॉट ग्लू भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो गया और इसमें हम बैटरी भी कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैटरी के लिए चार्जिंग पॉइंट नहीं निकाल रहा हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो जिसे आप चार्ज कर सकते हो। वैसे तो आप इसे कार खोल कर भी चार्ज कर सकते हो यहाँ पे, अगर वैसे नहीं निकालते हो तो। लेकिन ये बैटरी काफ़ी लंबी चलती है फ्रेंड्स, ये लैपटॉप वाली बैटरी है 18650, तो ये काफ़ी लंबी बैकअप दे देती है। तो चलिए, ये सब कुछ असेंबल हो चुका है, अब इसका कवर लगा देते हैं। तो एक हमारा कवर लगाते के साथ ही यार हमारा कार एकदम पूरा हो जाता है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो पीछे के साइड थोड़ा उठा उठा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये इसमें काफ़ी कुछ अंदर गया ना फ्रेंड्स, इसीलिए कार खा खा के फूल गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कार अच्छे से वर्क करेगी। तो बस 2 चक्के लगाने बाकी है, तो ये देख सकते हो। ओ तो यहाँ पे फ्रेंड्स चक्के थोड़े लूज हो रहे हैं देख सकते हो, तो इसका भी उपाय हम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ग्लू भर देते हैं थोड़ी सी। तो इसमें जैसे ही हम ग्लू भरेंगे ये थोड़ी सी टाइट हो जाएगी और जब सूखेगी तो ये एकदम मस्त मजबूत हो जाएगी। तो ग्लू भर के आप यहाँ पे लगा सकते हो और ये देखिए परफेक्ट हो चुका है। या फिर आप ग्लू नहीं है तो आप टेप लपेट सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कार अच्छे से वर्क करने लगा और देखिए लेफ्ट राइट भी अच्छे से हो रहा है, वाह भाई वाह। तो चलिए बाहर चलते हैं और हमारा कार का टेस्ट करते हैं कि जो हमने बनाया है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रहा रिमोट और इसे आगे के साइड देखिए फ्रेंड्स, कमाल की कार है, कमाल की अच्छी चल रही है यार, और ये काफ़ी अच्छी चल रही है फ्रेंड्स। और ये अपनी डायरेक्शन भी अच्छे से चेंज कर लेती है, तो ये काफ़ी अच्छे से बन चुका है फ्रेंड्स। देखा हमने 30 रुपये वाली कार से रिमोट कंट्रोल कार बना दिया, तो ये है यार, आप भी बना सकते हो, ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप भी आराम से घर में बना सकते हो। बस 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और आप इसे आराम से बना सकते हो और इसे खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना यार, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।